मैं चाहता हूं। किसने मारा? इसी घर का है वो, यहीं का कोई। क्या शेखर, आई नो यू अपसेट, लेकिन इस घर में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। ओ, तो ये है जामिनी, रेहान की गर्लफ्रेंड। आई वंडर उसने हमें इससे क्यों नहीं मिलवाया। वैसे किस गांव की है ये? खत्म हो गया जामिनी। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मगर हमारे पास इनके कुछ पर्सनल सामान है, जैसे वॉलेट वगैरह। आप लोग पुलिस स्टेशन आकर कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद ही इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। बाकी जल्दी इनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद हम जांच पड़ताल करेंगे। वैसे हमें नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट ही है। अरविंद, तुम्हें एक नया काम करना है, वो भी जल्दी। कितने खुश थे रेहान बाबू, बोल रहे थे जब प्रथम बाबू और युवराज बाबू की शादी हो जाएगी ना, तो वो सबको हमारे बारे में बता देंगे। हमने उनसे सगाई की थी। हे दुर्गा माँ, क्या किया आपने? बेटा, माँ दुर्गा ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, यही इसी घर के किसी इंसान ने किया है। शेखर, संभाल अपने आप को यार, मैं समझ सकता हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। नहीं, नहीं समझ सकता तू। अरे अगर तू समझ सकता था तो तू मुझे सुनता। मैं कल से तुझे कह रहा हूँ, मेरा बेटा घर नहीं आया, तुम्हारी पार्टी के बाद तेरी हवेली में गया। उसने हमें हवेली में भी बुलाया था, कितना डरा हुआ था वो। उसने कहा उसने नाक देखे, तूने कहा ये नशे में और तू अपने घर आ गया, लेकिन मेरा बेटा ये मेरे घर नहीं आया। अरे इंस्पेक्टर साहब, बताइए इसे कि मेरा रेहान कहाँ मिला आपको? आपकी हवेली के पास के जंगल में मिस्टर एंडी। सुन लिया तूने? तेरी वजह से मैंने अपना जवान बेटा खो दिया एंडी। ये देखिए, रेहान बाबू ने तो हमें अंगूठी भी पहनाई थी, एक अपने लिए बनवाई थी और एक हमारे लिए। आंटी जी, ये रेहान नहीं है। आंटी जी, ये हमारे रेहान नहीं है, इनके हाथ में वो अंगूठी नहीं है, ये रेहान नहीं है। क्या? रेहान नहीं है, ये रेहान नहीं है। हो सकता है उन्होंने अंगूठी उतार ली हो। नहीं, मेरे रेहान कभी अंगूठी नहीं उतार सकते थे, ये रेहान नहीं है। फिर हो सकता है किसी ने चोरी कर ली हो। वो चोरी भी तो हो सकता है। इंस्पेक्टर, आपने रेहान के बेचारे उसके वॉलेट से की थे, हो सकता है इसने रेहान का वॉलेट चोरी किया। हाँ, ये चोरी है, ये रेहान नहीं है, ये रेहान बाबू नहीं है आंटी जी। लेकिन अभी तो आप लोग कपड़े की पहचान कर रहे हैं। ऐसे कपड़े एक ही थोड़ी होंगे, हजारों होंगे, और क्या पता इस लुटेरे ने रेहान के कपड़े चुरा ले हो। देखिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से तो यही पता चलता है कि ये मिस्टर रेहान है, बाकी डीएनए रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर, इन सब लोगों का शक सही था, ये रेहान मित्तल की बॉडी नहीं है। नकली डीएनए रिपोर्ट देखकर बना दिया असली रेहान को नकली। अगर 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 ये रेहान नहीं है तो तुम मेरा बेटा कहाँ है? शेखर, अगर मैं जानता होता तो मैं टोल्ड यू। शेखर, मिस्टर मित्तल, आप संभालिए अपने आप को, पुलिस आपको बेटे को हर हाल में ढूंढ निकालेगी। ओके, बाल बाल बचे, वरना आज कुछ भी हो सकता था। मुझे नहीं पता था ये लोग उस लड़के को इतनी जल्दी ढूंढना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैंने फार्म हाउस का नाम और वहां पे सब टूटा फूटा पड़ा होगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो अरविंद ने सब कुछ संभाल लिया, पर तुम फिक्र मत करो, तुम बस ये सोचो जो तुम्हें करना है। जहन ने भले ही अपना काम नहीं किया हो बेटा, तुम्हें अपना काम करना है। तुमने कहा था कि अगली मौत उस माहिर की होगी, मार दो उसे।
अभी? हाँ, उस माहिर ने तुम्हारे प्यार को मारा है और तुमने कहा था कि तुम्हारा अगला वार उस माहिर। हाँ, मैंने कहा था विश, मैंने कहा था, मगर तुम नहीं समझ रही हो। मैं नहीं समझ रही हूँ। इंसानियत की बात विशाखा, इंसानियत की बात। आज उस रेहान को ढूंढने के लिए ना सारी दुनिया जुट गई, उससे इतने सारे रिश्ते जुड़ गए, पहले जितना आसान नहीं रहा। उसको सब ढूंढ रहे हैं, खास करके वो लड़की, वो जामिनी। तो अब तुम उस जामिनी, उस लड़की से डर रही हो? तो मैं किसी से नहीं डर रही हूँ विश, मैं उसका दर्द महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि उसने भी उस आदमी को खोया है जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करने वाली थी। लेकिन मैंने कहा ना, तुम नहीं समझोगी इंसानियत की बात। पर तुम इंसान नहीं हो। इंसानियत के बारे में मत सोचो। रेहान एक खूनी था, उसे मरना ही था। बात मैं जानती हूँ, वो लड़की नहीं जानती। और वैसे भी जो कुछ रेहान ने किया है उसमें उस लड़की की क्या गलती है? वो बेचारी। बेचारी? हम नागिन तरस नहीं खाते बेला, बस बदला लेती है। तुम ऐसी बातें, कहीं तुम उस लड़के माहिर की वजह से कमजोर तो नहीं पड़ रही? कहीं उसके प्यार ने तो तुम्हें नहीं? पागल हो गई हो विश? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी इंसान से प्यार करूंगी, खास तौर पे उस इंसान से जिसने मेरे प्यार को मारा? तो फिर तुम क्यों नहीं मार रही हो उसे? हाँ, इरादा क्यों बदल रही हो? उसे जिंदा क्यों छोड़ रही हो? छोड़ रहा है विश। अच्छा ठीक है, अगर उसको मारने के बाद तुम मेरी बात पे यकीन करोगी तो मैं सबसे पहले उसी को मारूंगी। फिर तो तुम मानोगी ना कि मेरे दिल में उसके लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं? बेला, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मगर मैं जानती कि इस शादी शक को तुम कितनी गहराई से जानती हो, कितना भरोसा है तुम्हें इस रिश्ते पे। मुझे पता है तुम मानती हो कि शादी का बंधन अटूट होता है, इंसानों की दुनिया में भी और हमारी दुनिया में भी। इसलिए मुझे लगा कि तुम घबरा गए। विश, मैं कल तक क्या मानती थी वो मत सोचो, मैं आज क्या मानती हूँ वो सुनो। मैं यहाँ सिर्फ अपने प्यार का बदला लेने आई हूँ और वो बदला मैं लेके रहूँ। बस अब मुझे थोड़ा ज्यादा होशियार रहना है, कोई सबूत नहीं छोड़ना है अपने पीछे। मैं बाहर जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। यस इंस्पेक्टर। हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है किसी के हाथ आपको सारी डिटेल्स भिजवाता हूँ। ओके, आप प्लीज जितना जल्दी हो सके रेहान को ढूंढिए। थैंक यू सो मच। बेला, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले करण का एक्सीडेंट, उसके बाद आदि का जेल जाना, उसके बाद यूवी का, और अब रेहान। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है ये सब कुछ। कोई प्लान चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब पनिशमेंट दे रहा है कोई मुझे। मिला, जब सब लोग आपकी तरफ एक उम्मीद के साथ देखते हैं ना, तब आप भगवान की तरफ देखते हो। मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं वो भी मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। I'm sorry, मिला। जी? तुम्हें इस घर में आने के बाद इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, वो भी बेवजह। और ऊपर से मैं भी तुम्हें अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन यू जस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं। आई प्रॉमिस। बातों में आ रही हूं, क्यों इसकी आंखों में मुझे सच नहीं, कोई सच्चाई नहीं है इसकी आंखों में। विश ठीक कहती है, मुझे मुझे कमजोर नहीं पड़ना, सब एक जैसे हैं यहां पे, कोई सच्चा नहीं, माहिर भी कोई नहीं। ये वीडियो तुम्हें कहां से मिला? हमारे गांव के सरपंच के भतीजे ने, वो पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर है, उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज हमें दी और कहा शायद हमें कोई मदद मिल सकती है। अरे ये रेहान किसके पीछे भाग रहा है? एसकी पहुंचे। देखा आप
रिवाइंड करो, रिवाइंड। ये जरा जूम इन करो ना। ये हवेली वाला रास्ता ना एंडी? हाँ, कल वहां पुलिस जा रही है तलाशी के लिए। मैं अभी जा रही हूँ अपने रिहान जी को ढूंढने। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती ये सुनने के बाद कि मेरे रिहान बाबू किसी मुसीबत में। मैं यहाँ चैन से नहीं बैठ सकती। मैं अभी जा रही हूँ। हवेली का जा रही हूँ। एक मिनट, मैं भी जाता हूँ। माहिर, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठा नहीं रह सकता। चलो चलता हूँ। मैं भी चलूंगी। बेला बेटा, आई डोंट थिंक इट्स सच अ गुड आइडिया। हम जानते नहीं वहाँ सिचुएशन क्या है, क्या हाल है, तो फिर। हाँ माँ, लेकिन मैं भी कल हवेली में थी ना, तो हो सकता है मुझे कोई सबूत मिल जाए, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। थैंक यू बेला जी, आप रेहान बाबू को जानती भी नहीं और फिर भी हमारी मदद कर रही हैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कौन सी बात? बात है, तभी तो कह रही हूँ। थैंक यू। रूही, जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन बेटा, वहां तुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तेरे दुश्मन भी हो सकते हैं। बेटा, उन्हें तुझे पहचानना होगा कि इनमें से तेरे दोस्त कौन है और तेरे दुश्मन कौन है। तू समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सच में अच्छे इंसान है या मुझे इससे भी बच के रहना होगा? सही किया तुमने जो तुम उनके साथ जा रही हो। अच्छा मौका है। हाँ, और मैं बचे कुछ सारे सबूत भी मिटा दूंगी। सबूत के साथ साथ उसे भी मिटा जिसे अब तुम्हें मिटाना है, उस माहिर को, जैसे ही वो तुम्हें अकेला मिले। बेला, चलो बेटा। बेला, आई शो बेटा कि तुम साथ में चलना चाहोगी? जी माँ। पता नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा एक नई नवेली दुल्हन को ऐसी जगह ले जाना। माँ, आप इस वक्त मेरे बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचिए, परिवार के बारे में सोचिए। वैसे भी जब अपनों पे मुश्किल आती है, अपनों को साथ देना चाहिए। मित्तल अंकल हमारी फैमिली की तरह है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। बेटा, तुझ जैसी बेटी, तुझ जैसी बहू तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। हम बहुत खुशनसीब है बेला कि तू हमारे साथ है। जानती है बेला, मैंने ये देखा है कि माहिर एग्जैक्टली। माँ, वो वेट कर रहे हैं, हम चले। चलिए। अरे यार, ये लड़की हमारे साथ क्यों जा रही है? जब से इसके पांव इस घर में पड़े हैं, तब से बर्बादी शुरू हो गई है। अरे एंडी, तुझे कितनी बार मैंने समझाया लेकिन तुम मानते ही नहीं। और वैसे भी किस हक से हमारे साथ जा रही है? शी इज एन आउटसाइडर। और इसको तो मित्तल अंकल, वो वाइफ है मेरी। Now she's Bela Mahir Sehgal. She's a family now. आपके उसके बारे में क्या ख्याल है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे उसके बारे में बहुत अच्छे ख्याल है। उसका अगर मन करेगा तो वो आएगी और उसे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, Let's go. आओ बेला। चलो। आप माहिर जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चलूं? आइए। मंदिर में गई और मैं जंगल में जाता हूं।
ठीक है तो फिर हम हवेली में जाते हैं। चलो बेला। मैं माहिर जी के साथ जाती हूँ। ओके। कम। बेला आओ। मैं इधर देखती हूँ। हाँ, मैं इधर देखता हूँ। से कोई आवाज आ रही है। सॉरी, मैं वो एक्चुअली कोई आवाज आ रही थी इसलिए। यही सही मौका है इसे खत्म करने का। मॉम, कम। वो खून के धब्बे। ओह माय गॉड। ओह मॉम, लगता है रेहान बाबू को चोट आई है। ये उन्हीं का खून है। जस्ट रिलैक्स, ये खून किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रेहान का हो। ये उसी का खून है। जब वो यहां से भागने की कोशिश कर रहा था तभी चोट आई थी उसे। नहीं बेटा, शांत हो, संभालो अपने आप को। जामिनी, हमने देखा था ना, वो यहाँ से बच के निकल गया था, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। ट्रस्ट मी भाभी, एनीथिंग कैन हैपन। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं फोन करता हूँ, एक मिनट। ये मैटर अब हमारा नहीं है, पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ, चलो आओ बेटा। बेला, तुम भी जाओ बेटा, मैं बस आती हूँ। ये जूता, उस पे खून। माहिर, किसका हो सकता है ये? इस पे खून किसका हो सकता है? शायद उसी का जो रेहान की जान के पीछे पड़ा है। ये तो लड़की की सैंडल है। इसका मतलब ये है कि वहां जरूर कोई लड़की मौजूद थी, पर कौन हो सकता है? मैं आपसे कह रहा हूं, इस सब के पीछे इस घर का ही कोई आदमी है। आप देखिए जरा। हो सकता है मिस्टर मित्तल, तभी तो मैंने अपने कुछ ऑफिसर्स को हवेली भेजा है ब्लड स्टेन्स जांच करने के लिए, और दूसरी सर्च टीम जंगल की ओर गई है। वो कोई जानवर भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि मित्तल भाई साहब सही ही कह रहे, ये जूता जिसका भी है उसी ने।
किसका हो सकता है ये जूता? ये किसी घरवाले का तो नहीं हो सकता। कोई घरवाला अपने ही किसी इंसान को क्यों ऐसे हर्ट करेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो इस घर में कोई नहीं जो घर के लोगों को नुकसान पहुंचाए। जरूर किसी बाहर वाले का ही काम। मिस्टर मित्तल, आप इल्जाम लगाना किस पे चाहते हैं? बोलिए। अरे, ये मोजड़ी यहाँ है? कब से इसे ढूंढ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यही है, इसी घर में, इसी फैमिली में। ये मेरा दिल कहता है। मगर कानून दिल की नहीं सुनता। अगर आपके पास सबूत हो तो बताइएगा। मिस्टर एंडी, मैं चलता हूं। थैंक यू। एंडी, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगा। मिल गया। क्या मिल गया मां? आर यू ओके? वो जंगल के बाहर एक जूता मिला था, उसपे खून। वाह हवेली। जूता मिला? ओह माय गॉड, जूता किसका जूता था भाभी? रेहान का जूता तो नहीं था, मेरे बेटे का तो नहीं था, किसका था बताइए ना? किसका था वो जूता बताइए ना प्लीज। रिलैक्स, मुझे बताओ क्या मिला, किसका था वो? बेला का। व्हाट? व्हाट? आई एम श्योर बेला के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन होगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। यार एंडी, मैंने तुझे कहा था ऐसी लड़की के साथ तुमने अपने बेटे की शादी क्यों की? ओह माय गॉड, पता नहीं मेरे रेहान का क्या होगा। अरे सुनो, मुझे लगता है ये बेला जरूर कुछ छुपा रही है। कहीं ये और विश दोनों। अंकल देखिए, मैं आपकी हालत समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक बेला निर्दोष है। पर बेटा। पर नहीं अंकल, बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसे खुद हवेली से लेके आया हूँ, वो जंगल के आसपास भी नहीं थी। हाँ लेकिन माहिर, वो सैंडल मुझे जंगल में ही मिला ना। दिस साउंड्स रियली वियर्ड, लेकिन बेला हमसे झूठ क्यों बोलेगी? करेक्ट है, ये सब हमको तभी पता चलेगा जब हम उससे पूछेंगे, है ना? चलो। ये जूता। बेला। जी। क्या हुआ? Yes? Excuse me? मिस खन्ना, ये जूते आपके पास कहां से आए? और आपने ये कैसे पहने? सीरियसली, तुम लोग यहां मुझसे ये सवाल पूछने आए हो? देखो ईशा, सीधे सीधे जवाब दो। मैंने बेला को ये जूते पहन के अंदर आते हुए देखा था। हाँ तो उसी ने मुझे दिए। तो इस बैग में क्या है? शू क्लीनर का किट है। मेरे जूते पे स्टेन हो गया था, उसे मिटाने के लिए। कोई स्टेन नहीं हटेगा, यही सबूत बनेगा। बेला, बेटा ये जूते तुम्हारे नहीं है? नहीं, मैं जानती थी बेला का इस सब से लेना देना ही नहीं हो सकता। बल्कि इस विच का है ना मां। नाउ व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन? अरे भाई, पहले इनको बाहर लेके चलो। विशाखा, कम आउट। व्हाट आर यू गाइस? तो वो तुम थी? दिस इज रिडिकुलस। मेरा रिहान से ना कोई लेना देना, मैं क्यों उसे हाँ करूंगी? आई एम एन इन्वेस्टर एंड मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ। बिजनेस करने आई हो या बिजनेस हथियाने? माहिर से भी शादी तुम इसी वजह से करना चाहती थी ना? और जब तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं हुआ विशाखा, तो तुमने मेरे रिहान को गायब कर दिया ताकि तुम्हें बिजनेस में ऐसा स्टेक मिल जाए। आप सब बताओ, मेरा रेहान कहाँ है? Listen, I don't know. सब पागल हो गए हो क्या? अगर तुम लोगों को मेरे साथ बिजनेस नहीं करना है तो मत करो, पर पागलों जैसी बातें मत करो। Like, seriously, listen, ये सब बहुत अजीब है। This is like really... अजीब तो आपकी ये पैरों की जूती लग रही है। देखो इस पे खून के दाग भी है, मेरे रेहान के खून के दाग। किसने कहा तुमसे?
मेरी जूती है। तुमने कमरे में तुमने ही कहा था ना कि ये जूती तुम्हारी है। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था वो। What nonsense? तुमने पहनी और तुमने ध्यान नहीं दिया। चाल आई मीन ये किसी की चाल भी तो हो सकती है मुझे फंसाने की। एक्चुअली किसी की क्यों, ये बेला की चाल। तभी तो ये सडनली मेरे साथ इतनी ओवर स्वीट हो गई, मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हारी खोई हुई सैंडल मैं ढूंढ लेती हूँ और मुझे ये खून वाली जूती देकर के। क्यों क्यों मुझे पता नहीं। बेला के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। बेला वो है जो किसी का बुरा नहीं करती और तुम वो हो जो मौका पड़ने पर हर किसी के साथ बुरा। बकवास मत करो अपनी। मैं कह रही हूँ ना ये जूती मेरी नहीं है। ये कितनी कॉमन सैंडल्स है, किसी की भी हो सकती है। These are not mine. हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तुम्हारी जूती यहाँ गुम है और सुमी भाभी को वैसी ही जूती जंगल में मिलती है। वो जूती तुम्हें फिट भी आती है लेकिन तुम कहती हो कि वो तुम्हारी जूती नहीं है। वाह विश खन्ना वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे। लिसन यू, मैं अब तक आपकी उम्र का लियाज कर रही थी, बट नाउ मैं अपने लॉयर को बुलाऊंगी, जिसको जो कुछ भी कहना है मेरे लॉयर से बात कर लेना। विशाखा जी, मैं नहीं जानती कि आप क्या खेल खेल रही हैं और इन लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बता दीजिए मेरा रेहान कहाँ है, आपने क्या किया उसके साथ। प्लीज शट अप, शट योर माउथ, की क्या बोले जा रही हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। देखो झूठ मत बोलो, सच बताओ मेरे रेहान बाबू कहाँ है, क्या किया तुमने। अरे 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 Are you mad or what? एंडी यार पुलिस को बुलाओ। जामिनी जामिनी, ये कहां से। नहीं ये एक और जूता कहां से आया, मुझसे तो अपना जूता जंगल में छूटा था। फिर ये There you go. It fits me right. And you? मुझे फंसाने की नई कोशिश अच्छी थी पर कामयाब नहीं हुई। मिस्टर सेगल, मिस्टर एंडी, मिस्टर मित्तल, ये है मेरा दूसरा जूता। ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि हमारा बिजनेस अब इसी के नीचे होने वाला है। We're off. No more business with you guys. कौन सा बिजनेस, कौन सी डील की बात कर रहे हो। याद नहीं है, टू वन थिंग, अपने बाप से पूछ। नहीं मैं तुमसे पूछूंगा और तुम अपने बाप को जवाब दोगी। विशाखा खन्ना महेश, सही कह रहा हूं डैड, आपने विशाखा खन्ना के साथ डील की थी राइट। ये है वो विशाखा खन्ना। Oh my God! ये है वो विशाखा खन्ना। जब तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, उसी दिन से मुझे कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए मैंने पता किया, पता करवाया कि विशाखा खन्ना आखिर है कौन। She lives in Denmark. वो यहाँ कभी आई भी नहीं। हमारा प्रपोजल उसके पास गया डैड, बस उसका रिवॉर्ड नहीं आया डैड। एंड यू, इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है। मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, अपने घर में रहने की जगह दी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। You try to cheat Andy Seigel, I'm gonna kill you. I'll handle it, Dad. Handle it, Maher. Because if I handle this, I'm gonna kill her. And you, यहाँ से अपने आप जाओगी या पुलिस की गाड़ी बुलाऊं सवारी के लिए। धक्के मार के निकाल दो इसे। Throw her out from here. बेला ने तो पहले ही कहा था ना कि ये लड़की किसी के लिए सही नहीं, ना इस घर के लिए ना ही इस घर के लोगों के लिए। देखो ये जूती मिल गई मुझे। ये तो वो रेहान। हाँ कल से इसकी एक जूती नहीं मिल रही थी, आज पता नहीं कहां से आ गई। पर मेरा देखो इसमें खून के धब्बे हैं, ये तुम्हें मिली कहां?
नीचे शू रैक के पास। मतलब किसी को ये हवेली के बाहर या जंगल में सबूत ढूंढते समय मिली। तुम निकालो इसे। लेकिन विश, तुम जल्दी मुझे दो। विश, लेकिन ऐसे तुम फंस जाओगी। अगर इसे वाकई में कोई सबूत के तौर पे लेके आया तो तुम पकड़ी जाओगी ना। जानती, इसलिए तो मैं चाहती अगर हम दोनों में से किसी पे मुसीबत आए तो मुझ पर आए, तुम पर नहीं। विश, मुझे अपनी नागरानी के लिए इतना तो करने दो। तुम जल्दी से नीचे जाओ, वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। बेला मेरी, तुम, मैंने कहा ना। मैं जा जरूर रही, पर याद रखना जो जैसा करता है वैसा भरता है, कोई नहीं बचता। This way or that way. Remember that. Just shut up and get out! ये लड़की आखिर चाहती क्या है? बारे में सोच रही थी विश। मिशन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और मैं खड़े खड़े देखती रही। मैं कुछ नहीं कर पाई विश, मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही है? तुमने बिल्कुल सही किया। और वो जूते वहां देखकर मुझे अंदाजा लग गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। विश, वो तीसरा जूता किसने रखा? ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के उसे रखा है। कोई चाहता है तुम रेहान के मामले से बच जाओ। मुझे भी लगता है कोई तीसरा है जो ये चालें चल रहा है। वो सिर्फ चाल चल रहा है या हमारे खिलाफ चाल चल रहा है ये जानना है। परवेश, तुम प्लीज मेरे साथ रहना, मेरे आसपास रहना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ मत। तुम बस ये सोचो कि किस तरह तुम्हें उस माहिर को खत्म करना है। या, थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिगेशंस। हाँ जी, नहीं नहीं, हमें विश खन्ना के साथ कोई डील नहीं करनी। आई नो कि वो ओरिजिनल है। नहीं, थैंक यू सो मच। या ऑलराइट। मैं यहाँ कुछ कोई बात नहीं मिला। इट्स ओके, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। टेक योर टाइम, कभी कभी मुझे भी चाहिए होता है तो मैं भी ऐसी कुछ कर लेता हूँ। यहां से अपने आप जाओगी या पुलिस की गाड़ी बुलाऊं सवारी के लिए? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कौन आएगी भी कैसे? विश को घर से बाहर जो निकाल दिया, गलती उसी की थी। बड़ी कच्ची तैयारी के साथ आई थी तुम्हारी दोस्त। कौन हो तुम? वैसे अच्छा ही हो कि उसे घर से निकाल दे, पर न रेहान को गायब करने के इल्जाम में फंस जाती, तुम भी और तुम्हारी दोस्त भी। कौन हो तुम? इतनी बेचैनी वैसे होनी भी चाहिए बेला। तुम? हाँ मैं, पसंद आया मेरा ये चेहरा? जामिनी, जामिनी, मैं यहाँ थी, मैंने कोई बुरा सपना देखा?
मैं कौन ये लड़की, क्या चाहती हूँ? रूही, जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये लड़की मेरी दोस्त है या मेरे इतने सारे दुश्मनों में से एक और दुश्मन, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे सपना क्यों देखा, पर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि देखा बस उसे मैंने। जामनी को? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? नो आइडिया क्यों करेगी, मुझे तो ये भी नहीं पता वो सपना था या सच में उसे मैंने देखा था। लेकिन हाँ, उसने मुझे ये कहा था कि उसने वो जूती वहाँ पे जान बूझ के रखी। ठीक है तुम इतना परेशान मत हो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही। मैं पागल नहीं हूँ विश, जो मैं ज्यादा सोचूंगी। ऐसा हुआ है इसीलिए मैं सोच रही। और वैसे भी ना वो जूती तुमने वहाँ रखी ना मैंने वहाँ रखी, तो फिर कैसे आई वहाँ पे? क्योंकि मैं तो उसे वो हवेली के पास वाले जंगल में खो के आ गई थी ना। नहीं, वो लड़की आखिर चाहती क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता वो वाकई में इतनी भोली है या ऐसे भोला भाला होने का नाटक कर रही। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली लड़की की वजह से तुम क्यों परेशान हो रही हो। अगर तुम ऐसे लग भी रहा है तो सीधे सीधे उसे पकड़ो, उल्टा लटका और उसे पूछो। फिर भी अगर वो अपना मुंह ना खोले तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। विशाखा, तुम भी जानती हो मैं किसी को भी बिना वजह नहीं मानूंगी। और वैसे शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही। तो फिर मत सोचो बेला, तुम बस आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और ये याद करो कि तुम उस घर में क्यों आई हो, किसके लिए आई हो। मौका मिलते ही तुम्हें उस माहिर को खत्म करने, बस इतना याद रखो। अरे बेला, मैं नौकरी करने वाली थी लेकिन अब ये दिया बुझने लगा। तुम फोन पे बात कर रही हो, मैं बाद में आ जाऊं। नहीं नहीं, होगी बात, आ जाइए माँ, आ जाइए, आ जाइए। बेला, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था बेटा। वो एक्चुअली, बैठो ना मेरे पास, बैठो। बेला, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि शादी के बाद सहगल परिवार में एक रिचुअल है। जितने शादीशुदा जोड़े होते हैं वो हमारी कुलदेवी के मंदिर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मोक्ष धाम। वाह, क्या नाम है? मोक्ष धाम। मिलेगा मिलेगा, माहिर को भी मोक्ष मिलेगा, मगर किसी देवी के हाथों में, नागिन के हाथों। वैसे वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। ओ, तो अंदाजा है इसे। बस वहाँ जाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि एक जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। सुना है वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और एक जानवर तो साथ ही होगा, तुम्हारा बेटा। और वहाँ से निकल के जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें एक लेक दिखाई देगी, वहाँ से तुम्हें पानी लेना और उस पानी में उस माहिर को डुबा देना, और तब तक डुबो के रखना जब तक कि उसका दम ना खुल जाए, उसकी आंखें बाहर ना आ जाए, फिर बालों से घसीटते हुए उसे बाहर लाना। और मंदिर पहुंचकर तुम्हें कुलदेवी माँ के पैरों में वो झील का पानी और एक खास सिंदूर चढ़ाना है, और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे पूरा यकीन है माँ तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर कबूल करेगी। हाँ बेला, इनके बेटे की लाश को भेंट बना के चढ़ाओगी तो माँ जरूर स्वीकार करेगी। पापियों का तो माँ भी सर्वनाश करती है। जाओ, जरूर जाओ उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने और इस माहिर को मौत दे। अरे मेरा फोन, अरे मैं उठाता। बेला, जाओगी ना? अरे माहिर दिखाई नहीं दे रहा वो। ये मॉम, मैं जॉक पे गया था। अच्छा हुआ तू भी आ गया, मैं बस बेला को समझा रही थी। मैम, मुझे तो कोई बात ही नहीं करने देता इस घर में, बेला तुझे समझा देगी। लो, मैं तो भूल ही गई थी, खास तौर से साड़ी लाई हूँ तुम्हारे लिए, यही पहन के मंदिर जाना। तुम भी तैयार हो जाओ। जी। क्या कह रही थी मां, क्या बताना है मुझे? वो कह रही थी कि एक कुलदेवी का मंदिर है, वहां जाके पूजा करते। ओह गॉड। हाँ, वो कुछ झील का पानी और खास सिंदूर लेके जाना है, ताकि मेरा सुहाग, मतलब ये जरूर कोई हमारा पोस्ट मैरिज रिचुअल होगा। बेला, ओहो बेला, देखो बेला, लुक एट मी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं माँ से कह दूंगा। क्या कह दो? यही कि कॉन्फ्रेंस है मेरी, आ ही नहीं सकता। ठीक है, देखो बेला, ट्रस्ट मी।
जो काम तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, जिसमें भी तुम अनकंफर्टेबल होगी, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है? मैं अभी माँ से बोल देता हूँ। आज सही मौका है बेला, तुम उस माहिर के साथ जंगल में अकेली होगी, यानी वहां कोई भी जंगली जानवर उस पर हमला कर सकता है, मार सकता है उसे।